तो आज का ब्लॉग होने वाला है भाई, वो आपके क्वेश्चंस के ऊपर होने वाला है। ये चेक करो, फ्रंट का जो हमारा टायर है 110/80/12 है। थे कमेंट्स वगैरह बहुत आ रहे थे कि माइलेज कितना आ रहा है, अब आपकी स्पीड कितना जा रही है। इसमें ये टच हो रहा था गाइस, हमने उठवाया भाई ऊपर, ये खोल के थोड़ा बहुत। जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो प्राइस था, बिकॉज मैंने जितनी भी एंटोर किया उसमें सब मैं अप्रिले का मडगार्ड दिखाया भाई। आगे आपको बता देता हूँ कितने में हमें पड़ा है भाई ये, मतलब ये अपनी गाड़ी में भाई रेलको के एंड 110 एंड 120 हमने भाई इंस्टॉल किए हैं। इसके ऊपर बहुत कमेंट आ रहे थे कि आपने ऑफ रोड, मतलब ये ऑफ रोडिंग टायर होते हैं बेसिकली, वैसे तो मतलब ये लोग ये कहीं भी चल जाते हैं, एंड ब्रेकर वगैरह का गड्ढो वगैरह का इसमें पता नहीं चलता, एंड ऑफ रोड का भी वैसे पता नहीं चलता भाई। तो यही सीन है, आपके क्वेश्चन वगैरह बहुत आ रहे थे, कमेंट्स वगैरह बहुत आ रहे थे कि माइलेज कितना आ रहा है, अब आपकी स्पीड कितना जा रही है अभी ये, और माइलेज खत्म हो जाएगा पूरा, अब तो माइलेज ही नहीं रहेगा कि लोकी में, ऐसे बोल रहे थे। और बट बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारा लग रहा है, जो कि लोकी का लुक है अब वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, और आपके भाई क्वेश्चंस हम लोग, मतलब क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूं मैं, जो कि मेरे को 2 दिन फील हुआ है। 2 ही दिन मैंने गाड़ी चलाई है अभी अभी टायर इंस्टॉल करके, कॉज अभी 1 दिन खड़ी थी ये घर में, तो उस वजह से आपको मैं बताने वाला हूं आज के, आज पूरे टायर के बारे में बताने वाला हूं, प्राइस क्या है इसका भाई, माइलेज कितना आ रहा है अभी ये। वैसे मैंने पूरा माइलेज टेस्ट किया नहीं है, माइलेज टेस्ट के बारे में भी बात करेंगे, टॉप स्पीड के बारे में बात करेंगे, प्राइस के बारे में बात करेंगे, और कैसे अवेलेबल हुए हमें ये टायर उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहले बात करते हैं भाई हम टायर्स के बारे में, जो कि भाई टायर्स इसमें ऑलमोस्ट पहले से होते हैं, जो पहले से टायर लगे होते हैं इसमें भाई आपको पता ही है, वो मोटी गिट्टी नहीं होती है, वो नॉर्मल टायर होते हैं बेसिक, जो कि आपके भाई सिटी में चलते हैं टायर, वो वाले टायर होते हैं, एंड वो बहुत प्लेन टायर होते हैं, एंड उसमें माइलेज वगैरह भी ठीक आता है गाइस। वो जो प्लेन टायर होते हैं भाई, वो आपकी सिटी में अच्छा माइलेज देते हैं भाई, एंड अच्छी रनिंग करते हैं वो, मतलब कि भागते भी ठीक है एंड सही भी पड़ते हैं वो, जो कि गाड़ी के हिसाब से भाई कंपनी वालों ने डाले होते हैं। और जो हम लोग बाहर से ये भाई इंस्टॉल कराते हैं ऐसे वाले टायर, ये वैसे मैंने जो बेसिकली बताऊं आपको, ये मैंने लुक के लिए डाले भाई, आप लोगों की डिमांड के ऊपर, आप लोगों ने बोला था लोकी का चेंज करो लुक, तो इस वजह से भाई थोड़ा सा अग्रेसिव वाला लुक, जो कि आगे से हैवी वाला लुक आ गया है, एंड पीछे से भी आप लोग चेक कर सकते हो भाई, ये हम लोगों ने टेल टाइड भी लगा रखी है, ये नंबर प्लेट ऐसे होती है, एंड ये पीछे से भी लुक चेक कर सकते हो आप। इसके बारे में भी हम अपडेट देने वाले हैं, पीछे वाले टायर के बारे में भी, जो कि पीछे का लुक है एंड फ्रंट का जो लुक है भाई वो थोड़ा सा मतलब सिमिलर। फ्रंट का जो हमारा टायर है मैं दिखा भी देता हूँ गाइस आपको, ये चेक करो, फ्रंट का जो हमारा टायर है 110/80/12 है भाई, तो 110/80/12, तो पीछे का दिखा देता हूँ आपको भाई, 120 है बट वो 70/12 है, तो गाइस ये चेक कर सकते हो आप, 120/70/12, जो कि भाई कंपैरिजन में बता रहा था आपको, दोनों टायर बता रहा था, जो कि आगे का टायर है भाई 110/80/12 है, एंड जो पीछे का टायर है भाई वो है 120/70/12, तो ये डिफरेंस है इसमें, मतलब आगे का टायर मेरे को थोड़ा बड़ा लगा। तो ये जो साइज है भाई इसका, ये चेक कर सकते हो, 110 के ऑलमोस्ट 110 के बराबर ही है। जो भाई मेरे को डलवाना था पीछे टायर, वो 130 डलवाना था, और वैसे तो 120/80/12 डलवाना था, बट वो 80 अवेलेबल नहीं था उनके पास, था भाई 70/12 अवेलेबल, जो कि ये टायर है अपना। ये टायर मतलब इतना बड़ा नहीं लग रहा है गाइस पीछे से, जैसे कि दिखाऊं मैं आपको, मतलब इतना बड़ा नहीं लग रहा है। तो इसके लिए कि हमारे, मतलब इसके पास हमारे एक सोल्यूशन है हमारे पास, इसके लिए हमने मंगवाया है 130/70/12, जो कि अवेलेबल होगा मे बी 1 हफ्ते के अंदर या 3 दिन के अंदर। आज चलाई है मैंने इसको भाई, मतलब 2 दिन बाद, कॉज मेरे को इसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना था 1-2 दिन का, कि कैसे चल रही है, क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे कि कैसे चल रही है ये, कैसा माइलेज आ रहा है, कैसी टॉप स्पीड आ रही है, एंड कैसा भाई ऑफ रोड हो रहा है, या आपको दिक्कत तो नहीं हो रही है कुछ। तो इस बारे में भाई आज मैं प्रॉपर, इसके लिए मैंने प्रॉपर ये वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। एंड दूसरी चीज है, जो कि भाई हमारा 110 सोल हुआ था आगे, तो इसमें ये टच हो रहा था गाइस आगे का मडगार्ड, तो ये हमने उठवाया भाई ऊपर, ये खोल के थोड़ा बहुत, एंड ये थोड़ा सा उठवाया जितना हो सके हमसे, तो ये चेक कर सकते हो काफी टाइट हो चुका है, एंड ये इसमें टच भी नहीं हो रहा है, इतना गैप बन रहा है गाइस इसके अंदर अब, तो ये आगे वाली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। बहुत लोग बोल रहे थे आप भाई ये आगे का चेंज करो एंड अप्रिला का लगाओ, कॉज मैंने जितनी भी एंटोर किया उसमें सब मैं अप्रिला का मडगार्ड दिखाया भाई आगे, तो मेरे को सबके जैसी नहीं बनानी थी यार अपनी लोकी अलग है, तो हमने भाई वो चीज नहीं करी है। और ये लोकी का लुक यही पसंद आता है भाई लोगों को, जो कि लोकी खुद है, तो यही मेरे को ओरिजिनल लुक इसका चेंज नहीं करना था ये वाला, और जो कि इसका लुक है ये बहुत प्यारा लगता है, इसमें लोकी भी लिखा है भाई, अगर मैं छोटा सा मडगार्ड लगाऊंगा तो ये इतना अच्छा नहीं लगेगा भाई आगे से। इसका सोल्यूशन मैंने कर दिया है भाई, आप थोड़ा माइंड यूज कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो, वरना मेरे को भाई लास्ट ऑप्शन मेरे पास यही था कि मडगार्ड मेरे को चेंज करना ही करना पड़ता। और जो कि भाई इसका माइलेज की बात करें, एंड पहले हम लोग इसका माइलेज निकालते थे भाई, मतलब 40 से 45 भी निकाला है,
एंड 50 तक निकाला हमने इसका माइलेज भाई, जो कि आपने देखा होगा 2-3 माइलेज का वीडियो मैं बना चुका हूँ प्रॉपर अपने चैनल पे, तो आप लोग चेक भी कर सकते हो चैनल पे जाके कि हमने कितना माइलेज निकाला है भाई अपनी लोकी पे, 40 से 45, 50 भी निकाला है। एंड मैं आपको भाई अपने आइडिया के हिसाब से बताऊँ, जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ, पहले अगर हम लोगों ने 40 से 45 निकाला है, अब ऑलमोस्ट 30 से 35 या फिर 35 से 40 भी, मे बी 30 से 35 तो भाई ऑलमोस्ट सिटी में निकाल सकते हैं हम लोग, एंड निकाल के भी दिखाएंगे माइलेज। बहुत लोग बोले थे माइलेज कम आएगा, अब तो माइलेज आएगा ही नहीं लोकी का, एंड अब मतलब खत्म ही हो जाएगा माइलेज। आपको निकाल के दिखाएंगे भाई, सिटी में भी निकाल के दिखाएंगे एंड भाई हिल्स में भी, मतलब की चढ़ाई वाली जगह में जो की पहाड़ वाली जगह होती है। इस ऑफ रोडिंग भी आपको भाई जल्दी से जल्दी निकाल के दिखाऊंगा आपको वीडियो की ऑफ रोड में कैसा चल रही है ये। वैसे मैं सिटी में बताऊँ आपको तो, जो की अभी हमने मतलब चलाई है 2 दिन, तो मेरे को गड्ढे वगैरह इतने फील नहीं हो रहे, पहले से बहुत स्मूथ चल रही है एंड भाई ब्रेकर वगैरह भी इतने फील नहीं हो रहे हैं, जो की पहले होते थे गड्ढे में जाती थी तो पूरी गाड़ी हिलती थी एंड वाइब्रेट होती थी, अब पर ऐसा कुछ नहीं है। अब काफी अच्छा मतलब इसका एक्सपीरियंस आ रहा है, मतलब कि जो कि पहले से ज्यादा आ रहा है, क्योंकि इसके जो टायर है वो थोड़े से बड़े हैं, इतना पता नहीं चल रहा है गड्ढे वगैरह का, तो ये इसका एक एडवांटेज है। दूसरी चीज, आप लोग टॉप स्पीड ही पूछ रहे थे, अब टॉप स्पीड कितनी आएगी, अब भागेगी नहीं अब गाड़ी, क्योंकि इसमें तो आगे ये बड़ा टायर डल गया है एंड हैंडल बहुत टाइट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है यार, अपने ऊपर आदत डालने की बात है। देखो मेरे को अभी थोड़ा सा हैंडल टाइट लग रहा है, बट अब थोड़ा थोड़ा मैं चलाते रहूंगा, वो थोड़ा मतलब मेरी आदत में बन जाए। पहले का छोटा टायर था तो वो उसकी मतलब अलग वो थी, वो थोड़ा सा फ्री रहता था, बट अब थोड़े इसमें भाई ये थोड़े बड़ा टायर है रेलको का एंड इसकी गिट्टी भी थोड़ी बड़ी होती है, तो थोड़ा सा भारी तो लगेगा ही, बट भाई आपको लुक भी चाहिए एंड वो भी नहीं झेलना, तो ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, ये तो आपको पता ही है, तो लोकी का लुक बनाना था हमने, तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हम लोग झेल लेंगे। तो भाई टॉप स्पीड भी जल्दी से जल्दी निकालेंगे, पहले हमने भाई स्पोर्ट्स मोड में भाई 106 से 107 108 तक निकाली है एंड स्ट्रीट मोड में हमने ये निकाली है 105 104 से 105 तक भाई, तो ये भी मैं सोच रहा हूँ कि अब कितनी जाएगी भाई दोनों में भी निकाल के दिखाऊंगा। कमेंट बॉक्स बताना माइलेज पहले चाहिए या फिर भाई टॉप स्पीड पहले चाहिए। बहुत मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कि था माइलेज था एंड टॉप स्पीड, और भाई जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो प्राइस था, कि प्राइस बता देना कितने में आपने इंस्टॉल कराए ये दोनों टायर, जो कि भाई ये वाला टायर है ये हमारे पास अवेलेबल नहीं था, ये हमने मंगवाया है भाई, तो ये थोड़ा महंगा पड़ा, पीछे का 120 हमारे पास अवेलेबल था, तो वो थोड़ा ठीक पड़ा है, ना महंगा ना सस्ता, मीडियम पड़ा है भाई। इंस्टॉलेशन जो कि भाई इन टायरों की, वो भी टोटल कॉस्ट बताता हूँ एंड भाई इसका भी जो हमने ऊपर करवाया है ये थोड़ा खोल खूल के, इसका भी मैं प्रॉपर आपको बता देता हूँ कितने में हमें पड़ा है भाई, ये मतलब ये 3500 तक हमें भाई टोटल पड़ा है भाई, 3500 से 3600 के बीच में ये पूरा हमें टोटल पड़ा है, जो कि चीजें दोनों टायर हैं प्लस भाई अपना ये भी ऊपर हुआ है और इंस्टॉलेशन के पैसे भी, टोटल कॉस्ट मैं आपको बता देता हूँ इतनी पड़ी है भाई। और तीसरी चीज भाई ये है कि लोकी की सर्विस भी जल्दी से जल्दी आने वाली है, आप लोग को दिखाता हूँ कितना चल गई है भाई ये, तो गाइस आप लोग ये चेक कर सकते हो, मतलब कि ये आपको पता ही होगा, जिन्हें पता नहीं होगा उन्हें बता देता हूँ कि 2 डिस्प्ले होती है भाई इसमें, इसके ऊपर अगर वीडियो चाहिए वैसे मैंने बना रखी है, आप लोग चेक कर सकते हो, वही सबसे ज्यादा गई है, तो ये चेक कर सकते हो, मीटर चल चुकी है भाई 19,694 चल चुकी है और 20,000 पे इसकी भाई सर्विस है, क्योंकि 20 या 22,000 पे इसकी सर्विस है वो भी आने वाली है एंड भाई 2 साल भी इसको ऑलमोस्ट होने वाले हैं, उसके ऊपर भी प्रॉपर रिव्यू निकालने वाला हूँ मैं, 2 ईयर ओनरशिप रिव्यू भी प्रॉपर देने वाला हूँ, सर्विस भी जल्दी से जल्दी आने वाली है, तो कमेंट बॉक्स में बताना आपको भाई कौन सी वीडियो पहले चाहिए, आपका कुछ क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट में बताना कि आपने इस बारे में नहीं बताया या इसके बारे में बताया, मैंने प्रॉपर बता दिया टायर के बारे में बता दिया, कॉस्ट बता दिया आपको, माइलेज टेस्ट एंड टॉप स्पीड वो जल्दी से जल्दी आने वाला है, और अगर हम लोग भाई 130 हमारे पास अवेलेबल हुआ पीछे का टायर वो इंस्टॉल कराएंगे जल्दी से जल्दी, अगर अवेलेबल हुआ वो मैं आपको भाई ब्लॉग में बता दूंगा, और अब रेगुलर व्लॉग्स आएंगे, बहुत लोग बोले थे भाई डेली व्लॉग करो एंड भाई रेगुलर व्लॉग्स वगैरह डालो, तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी भाई रेगुलर व्लॉग डालने की। बाइक में बताना गाइस हम लोग और क्या कर सकते हैं अपनी थॉर में, थॉर को भी हमने मॉडिफाई करना है, थॉर का भी लुक बनाना है जैसा अपनी लोकी का है भाई। यही था भाई आज का वीडियो, आई होप सारे क्वेश्चन भाई कंप्लीट हो गए होंगे, उनका आंसर मिल गया होगा आपको, तो यही था आज का वीडियो, आई होप यू कैन एंजॉय दिस वीडियो, वीडियो पसंद तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों शेयर करें मेरी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस एंड लव।